लुप्तगुप्त जादू। लुप्तगुप्त जादू, लेकिन इससे क्या होता है? इससे तुम किसी भी चीज को कहीं पर भी गायब कर सकते हो। वाओ, तो सबसे पहले तो मैं मम्मी की रसोई से करेले गायब कर दूंगा। एक बार चेक करके देख ले इस लुप्तगुप्त जादू में कितनी पावर है। सिलाफू हो जा गायब। फू फू फू। अच्छा पार्टनर, फिरकी ले रहे हो क्या मेरी? मैं जादू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें शक्तियां जरूर मिली हैं विवान, लेकिन उनका इस्तेमाल करना अभी सीखा नहीं है तुमने। तो सिखाइए ना शेर सर। उद्धरे दात मनात्मानम नमात्मानम वसादेत आत्मै ब्रह्मात्मनो बंधुरा तमै वरी पुरात्मन। हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी। अगर अपने दिमाग को, इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करना सीख गए तो हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त वरना दुश्मन। अपनी आंखें बंद करो विवान, अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो। वाओ, फाइनली मेरा मैजिक वर्क किया। मैं अभी अपना सूट वापस लेकर आता हूं। वापस क्यों नहीं आ रहा है? बालवीर की पोशाक, अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक है। तुम जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे, वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। और याद रखना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ठीक है बालवीर, सीख लूंगा मैं दिमाग को कंट्रोल करना भी और शक्तियां इस्तेमाल करना भी। पर अभी मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरा वो डुप्लीकेट वहां क्या कर रहा होगा। ओ, बिना घोड़े की रथ, ये तो होते ही है ना पृथ्वी पर। मैं भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ। अरे पैसे, हाँ ये रहा। अगर पूरे पैसे घर नहीं लेकर गया तो फिर से डांट खानी पड़ेगी। वैसे भी एक बार वायु कुंभ के चक्कर में डांट खा चुका हूँ, मैं क्या करूँ? डांट खाने से तो अब मुझे सिर्फ जादू ही सितारा ही रोक सकता है। ओ जादू सितारे इन बाजुओं में ताकत भर दी। विवान गाड़ी के नीचे आने वाला है। विवान कार के नीचे नहीं आ रहा, वो कार को उठा के पटक रहा है। Thank you.
तो परियों से डांट खानी पड़ेगी और बालवीर और पूरे वीरलोक से भी। दिल बहुत खतरनाक तबड़ तबड़ कर रहा है, क्या करूं? जादुई सितारा, वो जादुई सितारे इनकी इस घटना की यादें मिटा रही। दिवाली बहन, क्यों चिल्ला रही हैं आप? मैं चिल्लाई? हे नाना पद्मिनी बहन, वो तो आप चिल्लाई इसलिए मैं चिल्लाई। महिला, तो मैं क्यों चिल्लाई? क्यों चिल्लाई? पर विवान, हेलो हेलो, पूछे। ए विवान, विवान ऊपर ऊपर विवान, हाथ हाथ ऊपर ऊपर विवान, सच्चे साचू के जो हम दोनों में से पहले कौन चिल्लाया? मुझे कैसे पता होगा? ए हाँ, तुझे कैसे पता होगा? मतलब तू यही था, हम भी यही थे, तू नहीं चिल्लाया तो तुझे पता होगा ना हम दोनों में से पहले कौन चिल्लाया? बता बता। हाँ बोल बोल। वो आप दोनों एक साथ चिल्लाए थे। हाँ एक साथ। एक साथ? एक साथ? वाह ये मस्त है एंट्री है, आप लोग जहाँ भी जाते हो ऐसे ही जाते हो क्या उड़ के? हाँ विवान, वीरलोक और बालवीर के बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ये सब राज रखना बहुत जरूरी है और ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या? फिर तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपने बोला है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, सो ठीक है। अब मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है तो मैं घर जाऊं? रुको विवान, सबसे पहले हमें दूसरे विवान को बाहर निकालना होगा, तभी तुम वहां जा पाओगी। फिकर नॉट ब्रो, अब तो मैं बालवीर बन चुका हूँ, नीचे के दरवाजे से घुसूंगा पता भी नहीं चलेगा। चलो मैं चलता हूँ। मस्ती परी, अब विवान के साथ जाइए, वहाँ डूबा डूबा भी होगा, कहीं दोनों एक साथ सामने ना आ जाए। एक साथ चिल्लाए क्यों चिल्लाए होंगे, कोई वजह तो होगी ना? हाँ मुझे क्या पता। विवान सच बताना हो, तूने हमारे साथ कोई जोक्स तो नहीं मारा ना? नहीं, नहीं, मैं तो चीटी भी नहीं मारता, जोक कैसे मारूंगा? मम्मी ने मुझे दूध लेने को कहा था, अगर देर कर दी तो मुझे डांट पड़ सकती है। बर जा जा। बालवीर, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो बालवीर? इस समय मेरा जाना बहुत जरूरी, विवान का वीर तिलक तो हो गया लेकिन एक बेटे का फर्ज निभाना भी बाकी है। लेकिन बालवीर, तुम बाल परी को तिमनासा के वश से कैसे बाहर निकालोगे? वो तो पता नहीं कैसे, लेकिन ये जरूर पता है कि मैं अपनी माँ को वापस लेकर जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुको, तू पीछे के दरवाजे से छुपते छुपाते आ रहा है, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ करके आ रहा है। मेरी प्यारी मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा अब मस्का भी मार रहा है, मतलब पक्का गड़बड़ है। दूध कहाँ है, छुट्टे पैसे कहाँ है? दूध वो ये कम तो मम्मी ने डुप्लीकेट को दिया होगा, अब मैं कहाँ से दूध लाऊं? चुप नहीं रहो, बोलो भी, छुट्टे पैसे से पलटन को आइसक्रीम खिला दी क्या? नहीं मम्मी रुको, दर्द हो रहा है। बेचारे का दिल कितना धबड़ धबड़ कर रहा होगा, मेरी वजह से डांट पड़ रही है उसे। क्यों करता है तू?
किसी को नहीं। मम्मी ये रहा दूध और छुट्टे पैसे भी। मुझे काल लोग के लिए किसी ऐसी जगह से उड़ना होगा जहां से कोई मुझे देख ना सके। बालवीर, काललोक पे जाने से पहले तिमनासा के बारे में तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। जल्द वीरलोक आओ। ठीक है शौर्य। तू यहां से यहां कैसे आ गया? ऐसे हाँ? इतना खराब जंप मैं कभी नहीं मारता। ये पक्का हम दोनों को पकड़वा देगा। तुम फिकर मत करो विवान, मैं ना अभी करुणा जी का ध्यान भटकाती हूँ। तुम जल्दी से जाकर डूबा डूबा की जगह पर आ जाना, ठीक है? हाँ? मैंने तो गैस बंद कर दी थी, ये सीटी क्यों बज रही है? आपने तो मम्मी को और भी शक में डाल दिया। मक्खी परी? अरे मक्खी परी नहीं, मस्ती परी। अरे हाँ वही, सस्ती परी, मस्ती परी। हैरा, हैरा, मैंने तो गैस ऑफ करी थी, ये कैसे जल गई? चलो चलो जल्दी। मम्मी अब बोलो नहीं सुनो, एक बात बताओ, आप इतना काम करोगे तो गलती तो होगी है ना? अब चलो चलो। अब असली विमान तो आ गया, तो मेरा क्या काम? मुझे वीरलोक जाना चाहिए। आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो। इधर बैठो, आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बच गए, वरना आज मम्मी तो मेरा कान उखाड़ने वाली थी। वैसे पार्टनर की मम्मी पार्टनर के कान खींचती है क्या? वो सुपर हीरो है तो क्या हुआ, मम्मी की डांट तो उनको भी पड़ती होगी ना, नहीं क्या? हाँ, क्या बात है शौरी? विवान का वीर तिलक पूरा होने के बाद मैंने काल लोक में तिमनासा की तलाश की थी, लेकिन उसकी ऊर्जा वहां नहीं मिली मुझे। तो क्या इसका मतलब तिमनासा मर चुकी है? नहीं बालवीर, वो इस वक्त सर्वकाल साधना कर रही है। इस साधना के बाद वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तिमनासा अपनी जगह काल लोक में अपनी परछाई छोड़कर गई है, एक छोटी सी बच्ची के रूप में। हाँ, मैंने देखा था उस बच्ची को। इसका मतलब अगर तिमनासा सर्वकाल यज्ञ में व्यस्त है तो मां को काललोक से छुड़ाना आसान होगा। तुम्हारी योजना क्या है बालवीर? इस बार मेरे पास एक अचूक हथियार है। और इस तरह मैं माँ को वापस लेकर आऊंगा। तो फिर जल्दी जाओ बालवीर, और तिमनासा की सर्वकाल साधना पूरी होने से पहले बाल परी को वापस ले आओ। अब काल लोग से माँ को वापस लेकर ही आऊंगा। नन्ही उंगली की कसम, अगर मेरी बहरानी यहां होती ना तो हमला करने की किसी की वो नहीं होती हिम्मत। ये भूचाल
किसी विशाल शक्ति के आने का अंदेशा है। हाँ कालपरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत जल्द काल लोक में एक ऐसी शक्ति आने वाली जो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख देगी। ब्रह्मांड को हिलाने की बात कर रही थी, खुद ही मोम की तरह पिघल गए। जानो कौन आया? बोले दो, विवान आया। ए, गोपू, मेरी जींस थोड़ा दूर हट के चल, तेरी परछाई से मेरी जींस मैली हो जाएगी। तुझे पता है ये जींस कहाँ से आई है? इंग्लैंड से आई है, इंग्लैंड से। रियली? और नहीं तो क्या? ये फ्रॉग देख रहे हो? मेरे पापा ने पता है कहाँ से मंगवाई है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन। लेकिन इंग्लैंड और ब्रिटेन तो एक ही है ना। चुप कर गोपू, तुझे इंग्लैंड और ब्रिटेन के बारे में पता क्या है? तू और विवान की पलटन कभी भारत नगर से बाहर भी निकले हो? हैं? इन दोनों को तो आइडिया भी नहीं है कि आज मैं कितनी दूर से आया हूँ, और जब आया ही हूँ तो इनकी बैंड भी जरूर बजाऊंगा। शेर सर ने बोला था सांस अंदर सांस बाहर। भैया आपने तो गोपो की बोलती बंद कर दी थी, इतना सा मुंह गया था उसका, इतना सा। लेकिन इसकी बोलती बंद कराने से क्या हुआ? असली बोलती तो विवान की बंद करानी होगी ना। अब चिंटू काफी ना आकड़े, लुप गुप्त हो इसके कपड़े। वैसे आज ये विवान नहीं दिख नहीं रहा ना। नजर तो आप भी नहीं आ रहे भैया, कहाँ हो आप? सामने ही तो खड़ा हूँ। सामने कहाँ? अरे यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? ये क्या हो गया? कपड़े गायब करने के चक्कर में ये कौन सा लफड़े में फंस गया विवान? बस जादू को उल्टा कैसे करूं? कैसे लाऊं चिंटू को वापस? और धरती के थरथराने पे आती है भैरानी। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। चुटकुला सुनाओ, बहुत दिन हो गए चुटकुला सुने हुए। अरे भैरानी, चुटकुला तो ये है, 6 फीट का चुटकुला। तुम ही क्यों नहीं सुना देते मुझे कोई चुटकुला? तुम्हें तो वैसे भी बहुत चुटकुले आते हैं। मैं काल लोक का सेनापति हूँ, मस्खरा नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने
अस्किरा गिरी तो बहुत की है। तुम्हें क्या लगता है कि राजगद्दी को पाना मजाक है? बहुत बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे ना तुम, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या किया? ना तुम बालवीर को मार सके, ना तुम उत्तराधिकारी का राज तिलक होने से रोक पाए। अब बताओ, ये चुटकुला नहीं था तो क्या था? दरअसल तुम खुद ही चुटकुले बन चुके हो भैमार। अफसोस हंसी वाले नहीं, दर्द वाले। सर्वकाली यज्ञ में छुप के तुम बैठी थी, अगर इस बालवीर का वीर तिलक हुआ है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, और तुम्हारी बनाई हुई है काल परी। मैं आ गया हूं मां आपको वापस ले जाने।